अध्यक्ष जी, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए, अपना परिचय देते हुए। मेरे संगठन का नाम राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट है। जैसा कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में काम कर रहा है रसोईया बहनों के ऊपर और माताओं के ऊपर, जो कि हमारे देश की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था, उसको सुव्यवस्थित चलाने में रसोईया माताओं की, बहनों की आज बहुत बड़ी उनकी जरूरत है। क्यों जरूरत है कि सरकारी तंत्र के, हमारे खास तौर से उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या झारखंड, में एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूलों में जो प्राथमिक विद्यालय है खास तौर से, उसमें शिक्षा की स्थिति क्या है वो सबको पता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री तक को भी पता है, हर भाई बहन को पता है कि शिक्षा की स्थिति क्या है। उसके बावजूद भी एक रसोईया के ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि वो जो है कि भोजन बना करके उन बच्चों को खिलाएगी, जिससे कि जाति का भेद मिटेगा, जिससे कि समानता आएगी, जिससे कि कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, और उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो गांव से जुड़े हुए हैं। गांव से जुड़े हुए का मतलब है कि माताएं बहनें जो विधवा हो चुकी हैं, इसमें सबसे पहले सरकार की एक प्राथमिकता थी कि इसमें विधवा माताओं को रखा जाएगा। आखिर में किस तरीके की व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, ये तो उस अंग्रेजी व्यवस्था से भी बदतर व्यवस्था है। मांग बताइए, मांग क्या है हमारी? प्रमुख मांग ये है कि आज के व्यवस्था में 1000 रुपए पर क्या पीएम का जो या सीएम का जो रसोईया है वो एक दिन काम करने के लिए तैयार है? हमारी माताएं बहनें 1000 रुपए पर एक महीने 30 दिन का काम करती हैं, वो भी एक काम नहीं, रसोई बनाने के साथ साथ बर्तन मांजना, धोना, उसके बाद स्कूल परिसर में झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि अगर बच्चा नहीं आता है स्कूल में तो उसको घर से जा करके स्कूल में ले आना। यानी कि एक तरीके से जो वीआईपी स्कूलों में, जो कि प्राइवेट स्कूलों में एक बेबी डॉल मॉम रखी जाती है, उस तरीके की अदा करती हैं ये माताएं, जिनकी की सैलरी आज के डेट में 25,000-30,000 है, और उसी काम को करने के बाद सरकार अपनी तो सैलरी बढ़ा लेते हैं, विधानसभा में बढ़ जाती है, मंत्री महोदय की बढ़ जाती है, प्रधानमंत्री की बढ़ जाती है। क्या ये माताएं इस व्यवस्था से जुड़ी नहीं है, इस देश की माताएं नहीं है? मौजूदा मानदेय आपका कितना? हमारा मौजूदा मानदेय 1000 रुपए हमें मिल रहा है। आप कितना? क्या महाचार है? हमारी 18,000 रुपए मांग है सरकार से। अच्छा जी, तो आप, यदि आपकी मांगों को नहीं सुना गया। कहाँ से आप हैं रसोईया? सेवराई स्कूल से। सेवराई स्कूल से है। कौन सा जनपद है आपका? विद्यालय। जिला कौन सा है? गाजीपुर जिले से। आपकी क्या समस्या है? हमन का ये समस्या बाकी हमन का खाता में डायरेक्ट पैसा नहीं खियावत आयावत है बीआरसी पर, बीआरसी देता ना मास्टर के काट के चेक, और मास्टर लोग अपना खाता में ले पैसा, हमन का खाता में देता ना जा, कभी 2000 कभी 1000 पूरे साल में, बस 4000 साल में मिलते हैं। मतलब जो 12000 मिलता है वार्षिक, उसमें भी जो है आप लोगों का काट लिया जाता है। फिर भी कहता ना जा करके मिलती का पैसा तो हम छुट्टी का छुट्टी होता है ऊपर पैसा तो हम लोग नहीं खे मास्टर लोग को हाथ, और फिर ओकरा अलावे लोग कहता कि मई को तो हम लोग 20 मई तक तो हम लोग खाना बनाओ तो मुझे ऊपर पैसा नहीं खे तो बताई तो हम उनको 20 मई तक हम उनको ये कार्यक्रम बाकी हम उनको स्कूल में ताला ना खाना ना बनाओ। ठीक।